हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस टैरो विश विच प्लेट अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइस एक जनरल कलेक्टिव और वो टाइम मेस रीडिंग है सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िए एक साइंस के लिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को दिखने कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या रही हैं कल रात में ठीक है कल रात की एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए लगता है डियर इतनी डार्क एनर्जी एक्सपेक्ट की थी आपने अपने पर्सन से कि इतनी डार्क एनर्जी होगी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी आपके पर्सन से इतनी डार्क एनर्जी होगी ओ माय गॉड एंड में यार मुझे याद दिलाना कि आज ना मैं आप कैसे याद दिलाओगे मुझे <laughs> मैं भूल जाती हूँ में मैं बोल देती हूँ पहले कि आपके पार्टनर के हम कुछ मैसेजेस लेंगे और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ ठीक है तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं मैसेजेस लूँ ओके तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन कल रात में क्या एनर्जी से मुझे बहुत डार्क एनर्जी लग रही है एक तो पता है गाइस इस पर्सन ना मतलब सबसे झगड़ा कर लिया इस पर्सन इससे इस, इस पर्सन ने आपसे इतना झगड़ा किया इतना झगड़ा किया इतना झगड़ा किया लिटरली इस पर्सन ने आपसे ठीक है और अब यही झगड़ा ये ही ही औरों के साथ भी कर रहे हैं ठीक है अब आप नहीं मिल रहे इस पर्सन को झगड़ा करने के लिए तो औरों से झगड़ा कर रहे हैं ठीक है या फिर आप आप अगर इस पर्सन से बात करते हैं तो हो गए हो सकता है कि कल रात में आप लोगों की लड़ाई हो गई हो ठीक है जिनकी बात हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके कनेक्शन में बातचीत होती रहती है पर

हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झगड़ा कर लिया मैम ये पर्सन इतना झगड़ा करता है तो ये डेफिनेटली मुझे तो नहीं चाहता होगा लेकिन यहाँ लवर्स का कार्ड आया है ठीक है अब ये ये क्या है ये क्या है लवर्स का कार्ड क्यों आ जाता है अगर कोई इंसान आपसे झगड़ा कर रहा है और कोई थर्ड पार्टी में भी चला गया फिर भी ये लवर्स का कार्ड क्यों आ जाता है क्योंकि यू you नो know, यहाँ पर हो क्या रहा है कि लवर्स का कार्ड दिखा देता है कि यहाँ पर लव था उस पर्सन के मन में और आज भी है बस उसका ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो उसका जो ईगो है ना वो अपने मुताबिक चीज़ें चाहता है और वो यहाँ वहाँ घूमता है कि लोग उसको यू नो उसके ईगो को बढ़ाते रहें मतलब ईगो को खुशी मिलती है जब उसे वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो चीज़ उसे खाने में बहुत पसंद है ठीक है ईगो को बहुत सारा भाव खाना पसंद होता है तो बेसिकली वही एनर्जी है ये तो यहाँ पर वो निकल कर आ रहा है तो आपकी जो तो पर्सन है ना इनकी एनर्जी कल रात में ऐसी ही थी ठीक है अब क्योंकि ना इस पर्सन को आप जो ईगो देते थे मतलब इस पर्सन की ईगो को जो आप बढ़ा रहे थे हो सकता है अब आप नहीं बढ़ाते ठीक है आपसे झगड़ा हो जाता है आप शांत हो जाते हो क्योंकि यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ना जब आप झगड़ा बंद कर बंद कर देते हो तो अब कोई तो चाहिए जिस पर्सन की ईगो को यू नो और बढ़ाए ठीक है तो ये और लोगों से झगड़ा कर लेते हैं जबरदस्ती का क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी लोगों से इस पर्सन के झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं ठीक है अब क्योंकि आप आपसे नहीं हो पा रहा है तो शांत तो बैठना नहीं है तो उस चीज को किसी और के ऊपर निकालना है तो ये चीज नजर आ रही है बेसिकली ये पर्सन ना तो आपको टोटली छोड़ना चाहते हैं और ना ही यू नो पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं ये पर्सन कर रहे हैं बेसिकली आपके साथ रहकर अपने ईगो को फीड ठीक है कि मेरा ईगो बढ़ता रहे ठीक है एक तरफ इनको इनकी ईगो बढ़ता है जब इन्हें ये महसूस होता है कि आप इनके हैं और आप इनको बहुत ज्यादा चाहते हैं दूसरी तरफ इनके इनके अंदर जो एनर्जी है वो ये है कि अगर इनके मन मन मर्जी के हिसाब से काम नहीं होगा तो ये झगड़ा भी करेंगे ठीक है तो ये एनर्जी निकल कर आ रही तो कोई इंसान कैसे रहे आपके पार्टनर के साथ कल रात में इस पर्सन की यही स्थिति थी ठीक है अब ये पर्सन जब अपनी गलतियों को रियलाइज करती है एक अच्छा मन भी है इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवल नहीं है ठीक है डिवाइन भी है तो जब इस पर्सन के अंदर की अच्छी आवाजें बात करती हैं तो इस पर्सन से बोला जाता है कि आप यू you नो know, अच्छे इंसान नहीं है और आप लोगों की इनोसेंस का फायदा उठाते हैं या फिर आपकी इनोसेंस का इस पर्सन ने बेसिकली फायदा उठाया है या फिर आपकी इनोसेंस को समझा नहीं है तो ये पर्सन जब इस जोन में चले जाते हैं गुस्सा शांत होता है दूसरों की गलती दिखाई देना बंद हो जाती है और एक टाइम जो अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग घुटान होने लगती है ये भी बड़ी आफत है जब इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज होती है तो ये पर्सन बहुत बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में जाता है आपको पता है इस लेवल से ये पर्सन डिप्रेशन में जाता है कि अब सोच भी नहीं सकते जब इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होती है मतलब जिससे होता है ना कुछ आसपास की एनर्जी जब इस पर्सन को इसकी रियलाइज करा देती है गलतियाँ मान लीजिए कोई पोस्ट आ गया सामने यूनिवर्स ने कुछ मिरर करा दिया जैसे यूनिवर्स ने इसको मिरर करा के ये बता दिया कि तुम्हारी गलती क्या थी तो ये पर्सन इस लेवल से डिप्रेशन में जाते कि आप सोच नहीं सकते ठीक है और जब तक इस पर्सन का ईगो हाई होता है तो अपने आगे ये पर्सन किसी को समझते नहीं है उस वक्त इनको लगता है कि सब गलत है दुनिया में ठीक है मेरे मैं ही सही हूँ तो ये क्या है गाइस ये है एक्सेप्टेंस की बात कि इंसान मानना नहीं चाह रहा और यूनिवर्स आपको मिरर करा करा के बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलत हुए हैं अपनी गलती को मानिए ठीक है ईगो कहता है मैंने कोई गलती नहीं की मेरे साथ गलत हुआ है ठीक है वो कभी नहीं मानता कि मेरे साथ मतलब मैंने कुछ गलत किया या मुझे कुछ सुधारने की जरूरत है ईगो नहीं मानता ईगो कहता मैं तो मेरे में सब अच्छा था और मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है सारी गलती सामने वाले की है ये एनर्जी थी इस पर्सन की ठीक है अब ये क्या होता है ना जब ये पर्सन ये सोच लेते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है या फिर इनको मिरर करा दिया जाता कि इनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ रही हैं तो ये घुटन में जाते हैं और मैंने आपको बताया कि घुटन में भी जाते हैं स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में भी जाते हैं इनकी कल रात में ये एनर्जी भी थी क्या होता है देखिए ऐसे भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कल रात में आप बात कर रहे थे इस पर्सन से और आपका झगड़ा हो गया तो इनका इनके साथ अगर आपका झगड़ा हो गया डेफिनेटली ये पर्सन आपसे झगड़ा करने के बाद जैसे ही इस पर्सन को रियलाइज हुआ इनकी गलती ये तुरंत तो डिप्रेशन में चलेगा या फिर चलेगा ये घुटन में ठीक है कि इन्होंने आपसे ऐसा क्यों बोल दिया वैसा क्यों बोल दिया ऐसा नहीं बोलना चाहिए था वैसा नहीं बोलना चाहिए था तो ये एनर्जी आ रही है ठीक है ऑल्सो मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है प्लेफुलनेस विथ वर्ल्ड ठीक है देखिए इस पर्सन को ना कल रात में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा बचपना दिखाया है ठीक है मतलब एक लिमिट होती है बचपना दिखाने की एक लिमिट होती है आ, यू नो हरकतें दिखाने की ठीक है हर चीज़ की एक लिमिट होती है लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ होती है तो वो आपको नुकसान कर जाती है और आपने कई बार सुना भी होगा लोगों से तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही कि अपने ही बचपने से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज़ यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है जो जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बचपने में रहता है ना उसकी लाइफ एक दिन ऐसी हो जाती है जोकरों वाली ठीक है क्योंकि उसकी लाइफ वो ऑन ट्रैक रही नहीं ठीक है वो बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि उसको ऑन ट्रैक नहीं है कुछ भी ठीक है सब कुछ बेकार हो गया सब कुछ बर्बाद हो गया ठीक है उसको वो लगने लगा है आपके पर्सन को बेसिकली तो आ, क्या होता है ना आप अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो आपके गुणों से अच्छी बनेगी आपके कर्मों से अच्छी बनेगी आपकी हरकतों से अच्छी बनेगी किसी और के गुणों से किसी और की हरकतों से आपकी लाइफ पे सिर्फ प्रभाव पड़ता है वो अच्छी बुरी नहीं होती ठीक है बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मेरी लाइफ अच्छी हो गई और बुरी हो गई किसी और की वजह से ना आपकी लाइफ अगर अच्छी है या बुरी है तो आपकी हरकतों की वजह से आपके कर्मों की वजह से आपके गुणों की वजह से है ठीक है दूसरों का दूसरों की हरकतों का तो सिर्फ आपकी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है ठीक है आप चाहें तो उसका प्रभाव कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस पर्सन के अंदर भी ना वही एनर्जी है कि ये सारा ब्लेम सामने वाले को दे देते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई ऐसा नहीं होता है आपकी लाइफ किसी और की वजह से बर्बाद नहीं होती आप उसमें आ, कहीं ना कहीं आप उसमें भागीदार बन जाते हैं ठीक है और अगर आपके कर्म आपके गुण और आपकी हरकतें बहुत सही थी तो आपकी लाइफ बर्बाद कभी भी नहीं होती है अगर एक डोर अगर आपके लिए कोई क्लोज होगा तो डेफिनेटली दूसरा डोर ओपन हो जाएगा तुरंत लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होती है अगर आप बर्बादी करता है कोई भी अपनी लाइफ की ठीक है या फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है तो उसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को जाता है जिसकी वो जिंदगी है क्योंकि कोई और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता है क्योंकि ये राइट यूनिवर्स ने उसको दिया है कि वो सामने वाले को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देता है तुम जितनी जगह दोगे सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा उसकी उसका असर तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खुद की होती है ना कि किसी और की ठीक है और ये पर्सन यही करते हैं कि ये कह देते हैं कि सब सामने वाले की वजह से हुआ सब बाहर वालों की वजह से हुआ उन्होंने

अरे तुम्हारा अच्छा मिला था तो तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगा ठीक है ये चीज़ इंसान को ना ये दोनों बातों पर डिफरेंस समझना चाहिए यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा देता है लेकिन आपको अच्छी चीज़ों को एडजस्ट करना आना चाहिए आप चाहते हो कि अच्छी चीज़ों पर आपकी हुकूमत चले जो कि नहीं हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है लवर्स का क्योंकि ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिला था ठीक है मतलब जैसे आपको आपको ये कनेक्शन मिला है फॉर एग्जांपल आपके पर्सन को ये कनेक्शन मिला है तो ये कनेक्शन उन्हें मिला है तो इस कनेक्शन की कदर करना आपके पर्सन की रिस्पॉसिबिलिटी थी इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप की कुछ इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो एडजस्ट कर लेना या फिर मतलब देखिए दो लोग साथ में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट लगती है दोनों तरफ से ठीक है अब एक ही इंसान से कहते रहना कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो ये गलत है ठीक है ये यहाँ पर ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे कनेक्शन ही अच्छा नहीं मिला था पता तो मतलब कल रात में इस पर्सन की जो एनर्जी है ना बहुत चिड़चिड़ापन वाली एनर्जी थी मतलब जैसे होता है ना फ्रस्ट्रेशन घुटन ठीक है मिक्स एनर्जी जिसे हम बोलते हैं कि कभी बहुत गुस्सा आ रहा है कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है कभी दूसरों से झगड़ा हो जा रहा है कभी अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है मतलब गिल्ट भी एनर्जी है घुटन की भी एनर्जी है ठीक है फिर लग रहा है कि ज़िंदगी में पीस नहीं है मुझे तो कुछ अच्छा मिला ही नहीं है अरे तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा कनेक्शन मिला है लेकिन कनेक्शन मिल जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अब तुम दुनिया को पूरी तरीके से छोड़कर इस कनेक्शन पर चिपक जाओगे और ये कनेक्शन हमेशा तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलेगा नो ये इसका मतलब नहीं है हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है और जहाँ अम्बैलेंस हुई चीज़ है वहीं बिगड़ जाएंगी ठीक है और इस चीज़ की रिस्पॉसिबिलिटी नहीं लेता कोई कहता है इंसान सामने वाले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ठीक है ऐसा नहीं है आपने सामने वाले को बहुत बड़ा ज़्यादा राइट दे दिया आप सबको बराबर का राइट दिए होते हैं तो कोई आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करता और जिनके कर्म अच्छे होते हैं यूनिवर्स उनके तुरंत दूसरा डोर ओपन कर देते हैं एक डोर बंद होते ही तो उनकी लाइफ कभी भी खराब जैसा तो कुछ होता ही नहीं है लेकिन अगर आपकी गलती रही है तो यूनिवर्स आपको दो तीन साल जितना भी टाइम यूनिवर्स को लेना होगा वो तो लेंगे और आपको अच्छे से चीज़ें लर्न करवाएंगे कि यहाँ आपकी गलती थी और इस गलती को स्वीकार कीजिए इस गलती को मानिए जब तक आप उस चीज़ को मान नहीं जाते स्वीकार नहीं कर लेते एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आपके लिए सेकेंड डोर ओपन नहीं किया जाता और जब आप मान जाते हैं स्वीकार कर लेते हैं तो आपके लिए नए डोर्स खोल दिए जाते हैं जब तक आप अड़े रहेंगे कि मेरी गलती नहीं थी मुझे तो सब बेकार मिला मेरी लाइफ तो बेकार ही हुई है बर्बाद ही हुई है सामने वाले ने की है तब तक यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाता जाएगा

ठीक है सामने वाला इनोसेंट है तो वो सामने वाला इनोसेंट है तुम तो उसे ये नहीं कह सकते कि जैसा मैं हूं वैसी तुम तो तुम तो अपनी सोच के अनुसार उसको जज नहीं कर सकते हो सकता है तुम्हारी तो सोच अलग हो उसकी सोच अलग है वो हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी हो है उसके अंदर इनोसेंस है वो इनोसेंट इंसान लेकिन तुम्हें तो वो इनोसेंट नहीं लगे क्योंकि तुम्हारी सोच इनोसेंट नहीं है ठीक है तुम खुद इनोसेंट नहीं हो तो तुम्हें वो इंसान क्योंकि तुम खुद चला कर तुम्हें सामने वाला भी चला नजर नजर आएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है थे सामने वाले भी गंदगी नजर आएगी तुम जो खुद हो वही तुम सामने वाले को देख सकते हो अगर तुम तुम खुद महान महान नहीं नहीं हो तो सामने वाले को महान कभी नहीं देख सकते और जो खुद अच्छे होते हैं ना वो सामने वाले को भी अच्छा समझ लेते हैं आप देखिएगा जो लोग बहुत दिल के अच्छे और साफ और नेक दिल इंसान होते हैं सामने वाले को बड़ा अच्छा समझते हैं क्यों क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे चलाकी क्योंकि उनके अंदर चलाकी नहीं है उनके अंदर चलाकी नहीं है, चलाकी नहीं है चलाकी नहीं सामने वाले की चलाकी कभी नोटिस नहीं कर पाते तो यही इस पर्सन की एनर्जी की ये आपकी इनसे देख नहीं पाते ये आपकी नहीं बहुत सारे लोगों की इनोसेंस सी पर्सन देखने की बात क्योंकि इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं वो है ना एक तिगड़म दिमाग वो है इस पर्सन के अंदर अभी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जो हो रहा है उसे होने दो ठीक है मतलब क्योंकि जब कंट्रोल आपसे छीन लिया ना यूनिवर्स ने हम आपकी मर्जी से काम ही नहीं होने दे रहे आपकी मर्जी की चलने नहीं दे रहे आपका कुछ चलने ही नहीं दे रहे आपका नहीं दे। जब आपकी मर्जी का नहीं चल रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है गोइंग विद द फ्लो जाओ फ्लो में जाओ ठीक है और जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते और रियलाइज नहीं कर लेते कि तुम्हारी गलती क्या थी और उसको सुधार नहीं लेते तब तक तुम ऐसे ही जाओ ये एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से लेटिंग गो एंड एग्जॉशन ठीक है ये पर्सन अभी भी जैसे मतलब चीज़ों को ना जैसे कहते हैं ना पीछा छुड़ाना ठीक है कि अगर कोई चीज़ मेरे से सॉल्व नहीं हो रही मुझसे हैंडल नहीं हो रही तो मैं पीछा छुड़ाऊंगा तो वो चीज़ ये पर्सन आज भी करने की कल रात में भी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस चीज़ की वजह से अब इस पर्सन को बहुत घुटन महसूस हो रही है एग्जॉसन का कार्ड है मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि पीछा कहाँ से छुड़ाओगे हम पीछे पड़े हैं तो तुम कहाँ भाग के जाओगे मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपको लर्निंग देने पर आता है यूनिवर्स आपने सुना होगा ना जब प्रकृति आपको लर्निंग देती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग देती है वो और अब सबकी लर्निंग फेज ही चल रहा है यहाँ पर जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं सबका लर्निंग फेस चल रहा है और जो रीडिंग देख रहे हैं और जिनके पास पर्सन से दूर है उन सबकी लर्निंग चल रही है आपके पर्सन की भी चल रही है तो uh... Uh, यहाँ पर uh, आपके पर्सन से यही कहा जा रहा है कि तुम भाग कर जाओगे कहाँ और तुम कब तक पीछे छुड़ा कर भाग सकते हो ठीक है ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम कहीं पर इन्वॉल्व रहे तो वहाँ सामने वाले की पूरी गलती हो गई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अपनी गलती तुम्हारी जितनी थी हो सकता है तुम्हारी थर्टी परसेंट हो सामने वाले की सेवेंटी परसेंट हो वो चलेगा लेकिन तुम्हारी बिल्कुल नहीं थी ऐसा नहीं होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करो अपनी कमियों को सुधारो अपनी गलतियों पर काम करो नहीं तो जो अभी हुआ वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा फिर कहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं और वैसे लोग आते हैं ठीक है तो ये चीज़ हाँ क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है और कदर नहीं की गई यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर तरीके से इस पर्सन को ये कह रहे हैं कि कदर नहीं की है आपने गलती है आपकी ठीक है आपको बहुत खूबसूरत कनेक्शन मिला था आपने कदर नहीं की आपने उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है यहाँ पर कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़ आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने की कोशिश नहीं किया अगर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट में डिफरेंस है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ छोड़ दूंगा एडजस्टमेंट ये कहता है कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ में एडजस्ट कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की नीड थी अगर आपको हारमोनी क्रिएट थी क्योंकि जब आप दो लोग कनेक्शन में आ रहे हो तो थोड़ा आप कर लो थोड़ा वो कर ले लेकिन यहां पर आपका पर्सन अड़ गया था तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं ये पर्सन ये कह रहे हैं कि कौ... मतलब जब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है ना मतलब दुख ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहता है कि काश मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को चीज़ें समझ में नहीं आती पर ये पर... ये पर्सन भी यही कहते हैं कि ये पूरे गलत नहीं है इस पर्सन का भी एक डायलॉग होता है कि मैं मैं पूरा गलत नहीं हूँ अगर सौ सौ की जो गलती हम देखते हैं तो ये पर्सन ये कहते होंगे फिफ्टी परसेंट मेरी थी तो फिफ्टी परसेंट सामने वाले की थी यानी वो फिफ्टी परसेंट के दोषी आपको बनाते हैं फिफ्टी परसेंट ही अपनी मानते हैं ठीक है ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है मतलब ये कह रहा है कि वो पूरी गलती नहीं थी कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत थी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ये चल रहा था गाइस कल रात में उस पर्सन के दिमाग में मिक्स एनर्जी है कभी बहुत ज़्यादा गु़स्से की कभी फाइटिंग की झगड़े की ठीक है कभी घुटन की ठीक है कभी अपनी गलती थोड़ी बहुत रियलाइज़ हो रही थी कभी लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कर लिया होता तो सही रहता वैसा कर लिया होता तो सही रहता फिर कहीं कहीं ये थी भागने की कि मुझे नहीं करना मुझे नहीं सोचना कुछ मैं चला जाऊँगा कहीं छोड़ छाड़ के ये वाली एनर्जी भी थी ठीक है फिर ये थी कि अपने भी तो बचपना याद करो अपनी हरकतें भी तो याद करो यूनिवर्स ना जब तक आपको रियलाइज़ नहीं करवा देते चुन चुन के आपकी गलती पीछा छोड़ने वाले नहीं है क्लियर दिख रहा है ये रीडिंग करके ठीक है ऐसे ये चीज़ नजर आ रही है गाइज़ आपसे कितना रेजोनेट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू गाइज